हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले एक और यूनिवर्सिटी के बारे में। 2021 से 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, बीएससी नर्सिंग के, पोस्ट बेसिक के, एनजीएनएम के स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लगातार पाने के लिए। तो चलो बात कर लेते हैं, कंप्लीट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं श्री गुरु रामदास कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में। स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं, लास्ट डेट रहने वाले हैं 14 अगस्त। 14 अगस्त से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फॉर्म की फीस है 2000 स्टूडेंट्स, एंड जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज admission.sgrduhs.in, एंड एंट्रेंस एग्जाम की डेट अभी तक नहीं आई स्टूडेंट्स। जैसे ही आएगी मैं आप सभी को बता दूंगी। फीस 2000 रहने वाली, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं तीनों कोर्सेज के लिए। एंड इसके अलावा कोई यहाँ पर सेपरेट लेटर जो है आपको सेंड नहीं किया जाएगा। एंड ये जो 2000 फीस है ये आप डेबिट से, क्रेडिट से, नेट बैंकिंग से, UPI से, इनसे भी पे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलो बात जान लेते हैं कंप्लीट। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, काफ़ी यहाँ पर जो है लाइक एक डेकोरेटेड एंड काफ़ी ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी है अमृतसर में। एंड यहाँ पर जो है एडमिशन स्टार्ट हो चुके स्टूडेंट्स, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 14 तारीख से पहले पहले आप सभी को अप्लाई करना होगा। एंड यहाँ पर 2008 में इन्होंने जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग को स्टार्ट किया है। कितनी यहाँ पर सीट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं बीएससी नर्सिंग के, एंड पोस्ट बेसिक के 40 स्टूडेंट्स हैं। एमएससी नर्सिंग में यहाँ पर 20 सीट्स हमें देखने के लिए मिल रही है, तो यहाँ पर काफ़ी सीट्स हैं। एंड यहाँ पर जो है लाइक काफ़ी स्किलफुल स्टडी करवाई जाती है, मतलब कि सब कुछ आपको लाइक क्लिनिकल्स एंड जितनी भी यहाँ पर आपकी स्टडी रहती है नर्सिंग में काफ़ी स्किलफुल आई जाती है। किसी में भी आपको ऐसा नहीं कि आप लोग पीछे रह जाएंगे। तो चलो बात कर लेते हैं एडमिशन से रिलेटेड या क्या प्रोसेसर है। तो एडमिशन से रिलेटेड हम बात करें, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना। 14 तारीख से पहले आपको जो है इसको फॉर्म को फिल कर देना। आपको जो है कोई प्रिंट आउट सेंड नहीं करना, इनको पोस्ट से, हैंड से कोई प्रिंट आउट सेंड नहीं करना, सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। 2000 फीस रहने वाली स्टूडेंट्स, आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। डेट क्या है, वेन्यू क्या है एंट्रेंस एग्ज़ाम की, वो जल्दी पता लग जाएगा अभी ऑफिशियल्स पर जब भी आ जाएगा मैं आपको बता दूंगी। ड्यूरेशन है कोर्स का 4 ईयर, एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया। एंड फिर भी चलो फिर से एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। देयर आर इन द 100 सीट्स आउट ऑफ 50 सीट्स आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट्स। ठीक है, यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में जब इस कॉलेज को शुरू किया गया था तब भी यहाँ पर जो है टोटल हमारे सीट्स थे 50, बट अभी जो बीएससी नर्सिंग के लिए सीट्स को बढ़ा दिया गया है, अभी जो सीट्स है वो 100 सीट्स हैं। एंड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 100 सीट्स में तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है। तो 100 सीट्स हैं, चलो उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन बात कर ले तो 50 सीट्स तो अनरिजर्व्ड जो कैटेगरीज हैं उन्हीं के लिए हैं। ठीक है, और बाकी सीट्स हमें देखने के लिए मिल रही हैं दूसरी कैटेगरीज के लिए। तो चलो बात कर ले तो कैसे क्या सीट है स्टूडेंट्स। तो 50 सीट जैसे कि मैंने आपको बताया रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है, सिख कम्युनिटी के लिए रिजर्व है, जितने भी इंडिया में सिख्स हैं उनके लिए रिजर्व है। जनरल कैटेगरी के लिए 35 सीट्स, NRI के लिए 15 सीट्स, एंड जो अदर यहाँ पर 50 सीट है वो पंजाब डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है, जिसमें से 3 यहाँ पर ओपन को दी गई हैं, 80 को 12 दी गई हैं, एंड जो बैकवर्ड से बिलोंग करते हैं उनको 5, एंड जो हैंडीकैप है उनको 3 यहाँ पर सीट दी गई है। यहाँ पर क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम की स्कीम रहने वाले स्टूडेंट्स, एडमिशन जो रहेगा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर रहेगा। तो चलो जान लें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्या स्कीम रहने वाली है, क्या क्या पूछा जाएगा। 2 घंटे का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी। 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो चलो जान लें, फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मार्क्स भी 20 रहने वाले, केमिस्ट्री के भी 20, बॉटनी के 20 एंड जूलॉजी के भी 20 आने वाले हैं। तो टोटल ऐसे मिलाकर 80 क्वेश्चंस आ जाएंगे इन 1 बुकलेट। देन सिख की हिस्ट्री एंड रिलीजन आने वाला है एक सेपरेट बुक से, दैट इज़ ऑफ 20। ठीक है, 20 के होंगे तो 20 के मार्क्स रहेंगे। इस पार्ट जो रहेगा वो 20 में कंप्रोमाइज़ है, और हर क्वेश्चन जो है एक
लाइक एक मार्क्स का है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर नहीं है। कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं होगा एग्ज़ाम में। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन एडमिशन के लिए 50%, मतलब कि आपके कट ऑफ के बारे में मैं बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने जितने यहाँ पर लाइक 80 मार्क्स हैं उनमें से अगर आप लोगों ने 40 मार्क्स निकाल लिए, 40 मार्क्स आपके आ गए, तो आपका 100% एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग इतनी प्रिपरेशन करके जाएं कि 40 मार्क्स तो निकाल ही लें। आई डोंट थिंक सो कि 40 मार्क्स निकालना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। तो बात कर ले एलिजिबिलिटी, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए शैल बी ओपन ओनली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, सिर्फ फीमेल के लिए स्टूडेंट्स, मेल्स अप्लाई बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेलेक्शन शैल बी एज पर द मेरिट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, एंड जो 12th पास कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, जो कि स्टेट के हैं पंजाब से। ओनली एक्सेप्टेड फॉर द यहाँ पर लाइक सिर्फ जो पंजाब से उन्हीं को ये लोग एडमिशन देने वाले। 45% आपके मार्क्स रहने चाहिए, 17 ईयर्स की कंप्लीट होनी चाहिए एज, 45% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल, 40% SCBC के लिए मार्क्स होने चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी है स्टूडेंट्स, ये जो एलिजिबिलिटी फुलफिल करेगा वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन जो सिख कम्युनिटी के हैं उनको 50% सीट रिजर्व है, तो 50 सीट तो उनको ही मिल जाएंगी। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन डिटेल्स ऑफ 2000 रुपये आप लोगों ने फीस जमा की है, मार्टिकुलेशन एग्जामिनेशन, ठीक है, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट ऑफ 12th एंड डिटेल मार्कशीट, मार्क कार्ड ऑफ 11th, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, गैप ईयर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की कॉपी, पंजाब डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम अंडर द रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एडमिट कार्ड जल्दी ही पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा, दैट इज़ admission.sgrudsin। इस पोर्टल पर आपका एडमिट कार्ड होगा, तो ये मेथड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा मेरिट पर रहेगा, मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट्स इन क्वालिफाइंग एंट्रेंस जो अपना रहने वाला है उसी में। बात कर ले फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कितने क्या यहाँ पर फीस लगेगी, तो फीस ज़्यादा नहीं है, 50,000 पर ईयर फीस लगने वाली है, जो $15,000 लगेंगी अगर आप लोग NRI है तो। हॉस्टल की फीस लगेगी 30,000, ठीक है, 30,000 हॉस्टल की फ़ीस लगेगी, कुछ यहाँ पर अदर चार्जेस भी लग सकते हैं। तो ये फीस है, फीस जो रहेगी एक बार आप लोगों ने पे कर दी तो वो रिफंडेबल नहीं है। और ऑल स्टूडेंट हैविंग टू रेजिडेंट इन हॉस्टल कंपलसरी, हॉस्टल कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि आप लोग हॉस्टल के से अलावा कहीं रह सकते हैं। यूनिफॉर्म हर किसी को मिलेगी यहाँ पर, यूनिफॉर्म मतलब आपको एट टाइम ऑफ एडमिशन यहाँ पर ये लोग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, इन्होंने ये बोल रखा है। और इसके साथ साथ ये वो तो यूनिवर्सिटी के अभी ये स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे ही पोस्ट बेसिक के भी स्टार्ट हो गए हैं। एंड यहाँ पर जो है पोस्ट बेसिक के लिए 40 सीट्स है, 20 सीट्स अगेन रिजर्व हैं सिख कम्युनिटी के लिए, तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। सिख कम्युनिटी में 20 सीट्स में से 14 यहाँ पर जनरल को, NRI को 6 सीट्स मिलने वाली, कम्युनिटी ऑफ पंजाब डोमिसाइल 20 सीट्स, डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देख सकते हैं। तो यही है कि पोस्ट बेसिक के लिए भी निकल चुके हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट बेसिक के लिए। फीमेल्स के लिए सिर्फ रिजर्व हैं, डोमिसाइल आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, जितने भी आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, फ़ीस आप लोग देख लें, 25,000 फ़ीस ट्यूशन, 30,000 अगेन हॉस्टल फ़ीस आपकी रहने वाली है। तो चलो बात कर ले GNM 3 ईयर प्रोग्राम है, टोटल सीट्स रहने वाले 30 सीट्स सिख कम्युनिटी के लिए एंड 30 सीट्स जो रहेंगे वो पंजाब डोमिसाइल वालों के लिए रहने वाले। एलिजिबिलिटी क्या, 12th पास होनी चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए वही अप्लाई कर सकते हैं, 17 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 35 है, 35 से ज़्यादा वाले नहीं अप्लाई करते। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए थे वो बिल्कुल सेम चाहिए, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं, पंजाब डोमिसाइल चाहिएगा, आधार कार्ड सर्टिफिकेट चाहिएगा, ठीक है, तो यही यहाँ पर सर्टिफिकेट हमें चाहिएंगे। फीस जान लें आप लोग, 25,000 जो है यहाँ पर फीस रहने वाली, ट्यूशन
ट्यूशन के हॉस्टल के 30,000 और कुछ यहाँ पर अदर चार्जेस भी लग सकते हैं। तो कैसे लगी आप सभी को वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।